सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको ऑनलाइन घर बैठे आपको निवास प्रमाण पत्र, जिसको अधिवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, कैसे आपको बनवाना है। ऑनलाइन आप घर बैठे बनवा सकते हैं। इसका जो फीस लगेगी वो आपको 10 से 15 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी, और ऑनलाइन आप इसको 15 दिन में आप या आपके पास बनके ऑनलाइन ही आ जाएगा। तो दोस्तों, इसकी प्रोसेस क्या है पूरी आपको इस वीडियो में बताएंगे, कैसे आपको बनाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए चाहिए होंगे पूरी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे, और कैसे आपको बनाना है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। ई साथी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, और अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो इसी तरह आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आ जाना है, और सेम यही प्रोसेस आपका सभी जगह के लिए रहेगा। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ आपको यूज़र आईडी बनानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पंजीकरण आपको करना है, यूज़र और आईडी इसमें आपको बनानी है। यूज़र आईडी यहाँ से नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे आपको क्लिक कर लेना है, और एक फॉर्म आपको भर लेना है, इससे आपकी यूज़र आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद उसी यूज़र आईडी के माध्यम से आपने लॉगिन यहाँ से कर लेना है। तो दोस्तों, लॉगिन इस तरह से आपने कर लेना है, यहाँ यूज़र नेम डालना है, ओटीपी या पासवर्ड आपको डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ डाल देना है। तो इस तरह से ये हम डाल देंगे, और यहाँ अपना जो इसमें कैप्चा कोड है वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से आप भी इसमें कैप्चा कोड डाल देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये पेज आपके सामने आ जाता है, और यहाँ जैसे कि आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आवेदन भरें, आवेदन प्रिंट, सेवा शुल्क भुगतान, इस तरह से ये आपका खुल जाएगा, आपका एक ये आपका डैशबोर्ड बन जाएगा जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ हमें जो नया आवेदन करना है, तो आवेदन भरें पर क्लिक करेंगे यहाँ, और इस तरह से यहाँ ये सेवा चुने हमारे पास ये एक नया बोर्ड आ जाएगा। यहाँ हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ हम जो हमें जो प्रमाण पत्र बनवाना है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमें निवास प्रमाण पत्र बनाना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये फॉर्म दोस्तों आएगा, और इसमें सबसे पहले हम क्षेत्र इसमें सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण या नगरीय। उसके बाद प्रार्थी का नाम यानी जिसके नाम पर बनवाना है, उसके बाद पिता या पति का नाम इसमें करेंगे, साथी सेलेक्ट करेंगे कि किसका नाम हम इसमें डाल रहे हैं। यहाँ नाम डालेंगे हिंदी में, हिंदी में आप इसमें अगर आपके पास हिंदी का इसमें लिखने का नहीं है तो आपको गूगल इनपुट की इसमें सहायता ले लेनी है। और उसके बाद मदर नेम इसमें डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जन्म का स्थान, उसके बाद पता इसमें डालेंगे अपना, यहाँ से पूरी ये डिटेल्स यहाँ डाल देंगे। पता डालने के बाद उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इसमें निवास की अवधि वगैरह इसमें डालेंगे। प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्या है यहाँ इसमें फिल करेंगे, और इसमें उसके बाद ये पूछता है कि इससे पहले कभी प्रमाण पत्र बना है, तो हाँ या ना इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान किया है या नहीं किया है वो सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें नहीं सिलेक्ट कर लेंगे, या अगर पहले आपने जमा कर दिया है तो हाँ सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें नहीं सिलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि आगे इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस से हम इसमें चलेंगे। उसके बाद आधार नंबर, और उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट कैसे सेलेक्ट करना है आगे आपको बताएंगे, पहले इसको फॉर्म को भर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म भर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें अपना नाम डाल देना है, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपको जन्म का स्थान डाल देना है। एड्रेस अपना इसमें सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। सबसे पहले आपको इसमें जनपद इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करने को मिलेगा, उसके बाद जनपद के बाद आपको तहसील, उस थाना, और उसके बाद ग्राम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद निवास की अवधि, उसके बाद प्रमाण पत्र बनाने का जो आवश्यकता है आपका वो यहाँ पूछेगा, और ये डिटेल्स आपने भर लेनी है। उसके बाद जो इसमें डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, सबसे पहले आपको वोटर आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा स्कैन, फिर फ़ोटो का एक स्कैन आपको चाहिए होगा, और उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के उसके भी आपको स्कैन कॉपी एक चाहिए होगी, और उसके बाद राशन कार्ड या बिजली का बिल कि आपको फोटोकॉपी का स्कैन आपको करके रखना होगा। यह आपको चार ये डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, और कैसे इसमें आपको लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट इसी तरह से आपको सिलेक्ट करने हैं। फ़ोटो आप सबसे पहले इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल करेंगे,
और उसके बाद ये रिफ़्रेश होके पेज आएगा। तो यहाँ से चूज़ फाइल करने के बाद आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर ओपन कर देंगे और फिर अपलोड कर देंगे। तो आपकी सारी ये यहाँ ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट में। इसी तरह के करके सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड कर देने हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको दर्ज करें यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे नीचे दर्ज करें का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और उसके बाद इस तरह आपका ये प्रमाण पत्र, ये फॉर्मेट आपका ये बन के आ जाएगा इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं आवेदन संख्या, आवेदन की तिथि, और ये आपका इस तरह का एक बन के आ जाएगा। तो इसको आपने उसके बाद प्रिंट यहाँ से कर लेना है। तो इसको हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और ये आपका इस तरह से इसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट यहाँ से कर लेंगे और यहाँ इसमें अपना नाम डाल देंगे, कौन सा ये डॉक्यूमेंट है हमारा, इस तरह से। और इसको उसके बाद सेव हम कर लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमें ये यहाँ से, उसके बाद नीचे इसमें लिखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारा जो रिसिप्ट नंबर है, जो पेमेंट का, जो ट्रांसफ़र का जो नंबर है, एप्लीकेशन आईडी है, वो यहाँ अपने आप आ जाता है। तो हम इस पर सबमिट कर देंगे इस तरह से, और ये हमारी जो आईडी है यहाँ अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों इसकी 10 रुपये फ़ीस है, तो हम इसमें ये ऑटो इसमें जनरेटेड होके पूरी डिटेल आ जाती है, तो प्रोसीड विथ पेमेंट कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद ये हमें पेमेंट के गेटवे पे ले जाएगा। तो यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो हम इसमें किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर कार्ड से आपको करनी है तो यहाँ कार्ड नंबर डाल देंगे और पूरी डिटेल डाल के मेक पेमेंट कर देंगे। तो हम इंटरनेट बैंकिंग इसमें करेंगे। उसके बाद अपना बैंक इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जो हमारा बैंक है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा बैंक है वो हम इसमें से निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे कौन सा बैंक है, लंबी लिस्ट होती है इसमें। और इस तरह से बैंक सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट कर देंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से फीस जमा करने के बाद आप यहाँ से अपना आवेदन की सूची देख सकते हैं या यहाँ से रसीद आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको रसीद की प्रतिलिपि पर इस तरह क्लिक कर लेना है और यहाँ आवेदन संख्या आपने डाल देनी है, जो कि हमने डाउनलोड किया है पहले अपना आवेदन फॉर्म, उसमें आवेदन संख्या है वो यहाँ सबमिट करेंगे और सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। तो हमारी जो स्लिप है, पावती जिसको बोलते हैं, वो उसको हम डाउनलोड यहाँ से कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे, और पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बता दी है। इस तरह से आपने ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आप निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 10 रुपये इसका मात्र इसका शुल्क लगता है। और पूरी प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दी है, इस तरह से आप निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत है इतना।